नशीले पदार्थों और नशीली दवाइयों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रजौरी पुलिस ने एक व्यक्ति को नशीली पदार्थों की खेप और दवाइयों और उनके कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपए नकद बरामद करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं SSP रजौरी अमृतपाल सिंह ने कहा कि समाज से नशीले पदार्थों और नशीली दवाइयों के खतरे को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और जिले में बड़े पैमाने पर नशीले ड्रग्स की खेप और बरामदी के साथ कई ड्रग स्मगलर्स की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। रजौरी से द स्ट्रीट टाइम्स के लिए सरबजीत सिंह की रिपोर्ट। हमने रूटीन में 15 अगस्त को चलते नाका लगाया था। नाके में जो है नाके पे तैनात लोग थे, उन्होंने बताया कि एक शख्स जो है बागा नाका तोड़ के तो आगे जाके दोबारा पकड़ा उसको, तो यहाँ पे आके तो उसको तलाशी की तो उससे कुछ जो है हीरोइन नमाज जो है वो चीज़ भी बरामद हुई। तो बाद में पता चला कि वो एक पुराना सप्लायर है, हम ऑलरेडी उसके पीछे थे बट आज जो है चांस रिकवरी में उससे मिला है। तो जो रिकवरी है वो आपको बता दी जाएगी क्या है टाइम पे। अभी हमने वो मजिस्ट्रेट साहब मौके पे हैं, अभी वेट नहीं किया तो जैसे ही हमारी कार्रवाई पूरी होती है। सर भी लोग वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें बताएंगे। सर कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं क्योंकि काफ़ी सालों से ये लोग काम कर रहे थे? हम तो लगे हुए हैं और अपनी तरफ से जो रजौरी पुलिस का जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स है उसके भी, ये भी आज भी एक पार्ट था। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। मैं बार बार सर।